देखिए थाना नारखी इलाके के कायथा गांव में एक बड़ी घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति जो शिकायत करता था उस पर ही पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने दबंगों ने ट्रैक्टर छड़ाकर मौत के घाट उतार दिया। परिवार के लोग हैं, क्या घटना हुई थी? पिंपाल सिंह है। कौन से गांव का रहते हो आप? फतेहपुरा में, अभी तो टापा खुर्द में रहते हैं। अभी झगड़ा कहाँ हुआ है? कल्याण गली में। क्या हुआ था पूरी बात? झगड़ा में कुछ नहीं हुआ था, तहसीलदार ने साहब वहाँ गए थे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सब वहीं थे, जे लेखपाल वगैरह, तो वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ खड़े थे, पुलिस वाले भी प्रशासन भी साथ में था, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि भैया ये हमें क्या मतलब, लेडीजे गाली दे रहा था वहाँ। वहाँ कुछ नहीं, खेत के कब्जे के लिए गई थी पुलिस। आपका खेत था? हाँ, हमारा खेत था, तो अब वहाँ कब्जे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं होने देंगे कब्जा जबरदस्ती, तो उसने ट्रैक्टर लेके आया, तो तहसीलदार ने कहा कि ट्रैक्टर को इसको साइड के कर लो, उसने कि नहीं करूँगा, तो वो घुमा के ट्रैक्टर नीचे खेत में खुद आके लेके आया, उसने ट्रैक्टर दो कांस्टेबल और मेरे ऊपर भी, मैं खुद उल के उधर हो गया, बाबा के ऊपर छाती पे चढ़ा दिया, इसी वजह से वो खत्म हो गई। इससे वो उसी लड़के ने, उसके नेत्रपाल के लड़के ने, एक लंगड़ा था, नाम नहीं मालूम मुझको, तीन लड़के थे उसके, तीनों डोगर बोगर सब थे। हाँ, महिला कांस्टेबल घायल हैं, उनकी औरतों ने हमको मारा, उनकी औरतों ने लड़कियों, जमीन कितनी सारी जमीन कितनी थी? सारी जमीन 33 बीघा, 33 बीघा जमीन है सारी। खरीदी हुई थी या नीलामी? नीलामी की ली हुई थी। कब ली थी? ये 2003 में। अच्छा, पुलिस से पहले भी शिकायत हुई? हाँ, पहले भी हुई थी, पहले वो करवा दिया था वो कब्जा, फिर इन्होंने रात में जोत दिया था, हमारी कड़ी फसल जोत दी। पहले कब कराया था? पहले कराया था साहब जी, उसमें लिखी है मुझे, ये वो करीब 2-2.5 महीने हो गए उस बात को। पूरी डील है रोज। अरे हमारे ससुर, हमारे पापा हैं हमारे, अरे कि रोज जाते पुलिस वाले जो है कि हमारे खेत पे कब्जा ना हेरा, माने खेत जोत लो कब्जा दिब्बायो, ऐसो ऐसे भी सब गए वहाँ पे कब्जा दिब्बायो हमारो, फिर वाने दोबारा आते फिर वाने कब्जा कर लो वाने। कहा माने इनकी सबकी ढील है पुलिस वाले की, हमें कचू ना चाहिए, हमें चाहिए न्याय, हमें चाहिए न्याय, हमारी लाश जब यहाँ जाएगी, जब वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, हम ना जा रहे बार लेके आओ यहाँ। लोग थे वो जो थे जो ट्रैक्टर जो मुझे थे। नहीं पता है इनको, पता वो 10-12 लोग थे, 10-12 लोग। पुलिस की संख्या ही करीब 15-16 की, मगर पुलिस ने वो, उन्होंने तहसीलदार ने कहा ट्रैक्टर की चाबी निकाल लो, मगर पुलिस वाले ने नहीं निकाली चाबी, वो वहीं खड़े हो गए, उसने ट्रैक्टर घुमाया, घुमा के सीधे से पीछे से ला के चढ़ा दिया ट्रैक्टर, उसमें कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, और हमारे पिताजी तो वहीं खत्म ही है गए, हम तो तभी अब कहा गए, हम तो ज्यादा केबिल आगे रहे ही ना है। अब हम तो न्याय चाहते हैं, मगर हमारी वो जमीन होते हम ही जोत में मिल रही, आज हमें 20 साल है कि मुकदमा लड़ रहे हैं। पूरे मामले किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, किसकी लापरवाही है इसमें? पुलिस प्रशासन की लापरवाही है सबसे ज्यादा, प्रशासन की सबसे ज्यादा लापरवाही है। हमें मिलना चाहिए और हमें, तो बिल्कुल देखिए ये घटना बड़ी गंभीर घटना है, और साफ तौर पर कहा जाए कि पुलिस की और तहसील प्रशासन की घोर लापरवाही है, पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, लेकिन जो दबंग है वो अपनी घटना को अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। सर गढ़ी कल्याण क्या मामला हुआ है, क्या है? देखिए थाना नारखी क्षेत्रांगन गढ़ी कल्याण में तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम एवं पुलिस टीम संयुक्त रूप से एक अवैध कब्जा छुड़वाने के लिए आई थी। ये कार्रवाई जब चल रही थी तो उसी दौरान नेत्रपाल एवं इंद्रपाल ट्रैक्टर से आए और जो वहाँ पर टीम काम कर रही थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें महिला कांस्टेबल राधा को मामूली चोटें आई हैं तथा आवेदक जगदीश को चोट आई और वो अनकॉन्शस हो गए। दोनों को तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है, राजस्व एवं पुलिस दोनों यहां पर हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और यहाँ पर राजस्व टीम और पुलिस टीम आवश्यक कार्रवाई कर रही है। थैंक यू।